वेलकम टू आउट ऑफ बॉक्स क्लासेस चैनल। तो देखेंगे आज मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर जो है पॉलीनोमियल्स प्रॉब्लम नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री। ओके, तो चेक वेदर द फर्स्ट पॉलीनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलीनोमियल बाय डिवाइडिंग द पॉलीनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलीनोमियल। ओके, तो इसमें तो आपको क्या बोला गया है कि दो पॉलीनोमियल दिया गया है बोल रहे हैं, और ये दोनों पॉलीनोमियल आपको यूज़ करके बताना है ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, तो ये करने के लिए आपको डिवीजन मेथड यूज़ करने को बोला है। पहले फैक्टर मतलब क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो फैक्टर मतलब क्या रहता है, जब भी रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आता है तो उसको हम फैक्टर है करके बोलते हैं। ठीक है, सो डिवीजन करने के लिए अभी आपको डिवाइजर और डिविडेंड तो चाहिए, तो इसमें से कौन सा है वो कैसे पता चलेगा। तो डिग्री के हिसाब से हमको मालूम पड़ता है कि कौन सा डिविडेंड है और कौन सा डिवाइजर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अभी दोनों पॉलीनोमियल, तो ये एक आपका पॉलीनोमियल है और ये आपका पॉलीनोमियल दूसरा है। तो इसमें सबसे बड़ा डिग्री किसका है, तो सबसे बड़ा जो डिग्री है वो इसका है, देखो फाइव। ठीक है, तो फाइव सबसे बड़ा डिग्री है, तो ये हमारा क्या होगा, पी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर जो छोटा डिग्री वाला है ये हमारा जी एक्स हो जाएगा। तो लिखेंगे हमारा पहले जी एक्स और पी एक्स। तो जी एक्स का आंसर ये देखो ये आ गया, और पी एक्स का आंसर ये देखो ये आ गया। ओके, तो इसको जी एक्स और पी एक्स मतलब क्या है वो भी लिखेंगे। सो पी एक्स मतलब डिविडेंड रहता है, तो डिविडेंड लिखेंगे इक्वल्स टू नंबर, और जी एक्स मतलब डिवाइजर, तो डिवाइजर और नंबर लिखेंगे। उसके बाद अभी हम हमारा लॉन्ग डिवीजन जो मेथड है वो शुरू करेंगे। पहले फॉर्मेट लिखेंगे लॉन्ग डिवीजन का, तो ये हमारा फॉर्मेट रहता है, तो फॉर्मेट में लिखेंगे, तो यहाँ पर आप डिवाइजर लिखेंगे और यहाँ पर डिविडेंड लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, पहले नंबर से ये नंबर लाने की कोशिश करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय डैश, हमको एक्स फाइव आएगा, क्यूब है एक्स क्यूब और यहाँ पर एक्स फाइव है, तो कितना डालना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर डालना पड़ेगा, तो वो एक्स फाइव हो जाएगा, तो डालेंगे एक्स स्क्वायर। तो ये नंबर जो आया है ये अभी हम यहाँ पर लिखेंगे ऊपर। तो ये ऊपर आने के बाद ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम डिवाइज़र से, तो करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर लिख दिया, तो x पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये किया तो कितना आ जाएगा, एक्स फाइव आ जाएगा, तो लिखेंगे इसके बाद एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री एक्स, तो क्या आएगा, पहले प्लस इंटू माइनस तो माइनस आएगा, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं है, तो थ्री में मल्टीप्लाई हुआ वन तो थ्री आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर और एक्स है तो एक्स थ्री हो जाएगा, सो माइनस थ्री एक्स क्यूब हो जाएगा हमारा। उसके बाद उसमें अगला नंबर वन है, तो वन में कुछ भी मल्टीप्लाई किया तो वही आता है, तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, वही लिखेंगे हम। ओके, तो उसके बाद ये तीनों नंबर है ये डिग्री के हिसाब से इसके नीचे लाएंगे, तो पहला है एक्स फाइव, तो एक्स फाइव इधर है इसके नीचे लिखेंगे। उसके बाद है माइनस थ्री एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब किधर है, इधर है, तो एक्स क्यूब इधर लिखेंगे। और उसके बाद एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इधर लिखेंगे। सो यहाँ पर अभी माइनस करेंगे तभी वो ज़ीरो होगा, नहीं तो ज़ीरो नहीं होने वाला, साइन चेंज करना पड़ेगा। सो इधर माइनस का, इधर माइनस साइन डालेंगे। ओके, तो ये माइनस साइन डाल दिया, तो ये एक साइन चेंज हो गया, तो बाकी का भी साइन चेंज होता है, तो ये क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, और इधर क्या है, प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, सो अभी देखो एक्स फाइव में से एक्स फाइव गए तो ज़ीरो बचेगा, तो ज़ीरो तो लिखते नहीं हम, कैंसिल करके दिखाते हैं, तो कैंसिल करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर ज़ीरो क्यों लिखा हमने, क्योंकि एक डिग्री जो है वो खाली था यहाँ पर, एक्स फाइव के बाद एक्स थ्री था। ओके, देखो एक्स फाइव के बाद एक्स थ्री था, तो इसलिए हमने ये बीच वाला जो गैप है वो भरने के लिए हमने ये डाला है। ये नहीं लिखा तो भी चलता है, पर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, इधर आएगा आपका नंबर, तो यहाँ से यहाँ आने को थोड़ा प्रॉब्लम है ना, इसलिए हम थोड़ा आसान करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं ज़ीरो एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसके बाद ये माइनस किया, तो ये देखो ये माइनस फोर है और इसमें ये माइनस था पर अभी प्लस हो गया है, तो प्लस थ्री हो गया। सो माइनस फोर जो है बड़ा है, तो साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो माइनस रह जाए, फोर में से थ्री गए तो वन बचेगा, तो वन एक्स, तो माइनस वन एक्स क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस टू एक्स है उसमें से माइनस टू एक्स गया, तो कितना हो जाएगा, फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा ये। ओके, तो इधर कुछ लिखेंगे नहीं हम, इसके बाद इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है माइनस करने के लिए, तो ऊपर का नंबर नीचे लिखेंगे हम।
तो ये अभी नंबर आ गया देखो हमको, तो फिर से अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको और ये आंसर लाना पड़ेगा। तो एक्स मल्टीप्लाई बाय डैश फिर से लिखेंगे हम, ये लिख दो। उसके बाद यहाँ पर आंसर क्या चाहिए हमको, तो इधर हमको आंसर क्या चाहिए, -1x³ चाहिए। तो लिखेंगे आगे एक्स क्यूब में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको -1x³ आएगा। तो इसमें एक्स क्यूब दोनों जगह पर है, तो हमको -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो हमको आएगा, तो हम तो -1 जो आंसर आया है वो हम ऊपर लिखेंगे अभी। तो ऊपर लिखने के बाद अभी क्या करते हैं, ये नंबर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर से। तो लिखेंगे नीचे तो -(-) प्लस हो जाएगा, और 1 3 3 और एक्स, तो +3x हो जाएगा इधर। ठीक, इसके बाद -(-) इज माइनस और 1 आ जाएगा, तो -1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आ गया, तो ये अभी हम डिग्री के हिसाब से इसके नीचे लिखेंगे। पहला जो नंबर है वो -(-)³ है, तो क्यूब के नीचे क्यूब ही लाएंगे, तो इधर लिखेंगे। उसके बाद एक्स है तो यहाँ पर एक्स के नीचे लिखेंगे। उसके बाद 1 है तो नंबर के नीचे नंबर लिखेंगे। ठीक, तो हो गया। अभी देखेंगे इसका न आंसर क्या आता है। तो पहले तो इसका 0 आना चाहिए, तो साइन चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो 0 नहीं आने वाला है। तो साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस प्लस करेंगे, तो ये प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया, तो बाकी का भी साइन चेंज होता है। तो ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अभी इसका माइनस करके आंसर निकालेंगे, तो ये -1 और +1, ये माइनस था और अभी प्लस हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 हम लिखते नहीं, हम कैंसिल करके दिखाते हैं। तो कैंसिल करेंगे, बाद में +3 और -3 कैंसिल फिर से हो जाएगा। बाद यहाँ पर +1 है, ये -1 था पर अभी +1 हो गया, तो प्लस और प्लस क्या हुआ, ऐड हो जाएगा, सो +2 बन जाएगा ये। तो ये हमारा रिमाइंडर है अभी। ठीक, सो अभी हम लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या है वो। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, ऊपर का नंबर है -(x²-1), और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर लिखेंगे, रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर ये फैक्टर रहते हो, फैक्टर होता है कि नहीं, नहीं होता है, क्योंकि हमको रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया, यहाँ पर 2 आ गया, तो वही हम लिखेंगे अभी स्टेटमेंट में। तो उसको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला जो डिवाइज़र का नंबर है वो लिखा हमने, इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ डिविडेंड का नंबर है वो लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका ऐसा है, जी एक्स इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ पी एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, जी एक्स नंबर उसका पूरा साथ में, इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ पी एक्स और उसका नंबर साथ में। ठीक, तो तीनों चारों में से कौन सा भी लिखा तो आंसर राइट है, आप स्टेटमेंट कौन सा भी लिख सकते हैं। ओके, मैंने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी डाल दिया है, आपको चाहिए तो वो भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपका थर्ड प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होता है। तो थैंक यू।